अलीगढ़ के टप्पल में हुई घटना पर बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि आरोपियों के पक्ष में कोई भी एडवोकेट केस नहीं लड़ेगा। दी बार अलीगढ़ एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे आरोपियों के पक्ष में कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। अगर बार से भी कोई वकील पैरवी करता है तो उसको भी पहले समझाया जाएगा, अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं वकीलों ने कहा कि ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए कोर्ट में पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी करेंगे। मेरा नाम अनूप कौशिक है, मैं अलीगढ़ बार एसोसिएशन में महासचिव के पद पर हूँ। तो ये टप्पल में जो एक बच्ची के साथ हत्याकांड हुआ है और उसने क्या निर्णय लिया आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से ये 2.5 साल की मासूम बिटिया के साथ जघन्य कांड हुआ है, इससे समाज के साथ साथ हमारे अधिवक्ता समाज में भी बेहद आक्रोश है, क्योंकि ये जो घटना है एक तरह से राष्ट्रीय घटना है, ये सामाजिक घटना है और इस पर हर व्यक्ति हर वर्ग का इसमें बहुत आक्रोशित है और अपने बच्चों को उसके रूप में देख रहा है जैसे उन्होंने अपने बच्चों के साथ ही ये घटना हुई हो। तो हम चूँकि बार के महासचिव हैं, हमारे पास भी तमाम अधिवक्ताओं की मशवरे आई, राय आई, उन्होंने हमने ये चिंतन करके ये निर्णय लिया है कि इस तरह की घटना के केस में हम प्रोसिक्यूशन की साइड से ही पैरवी करेंगे और अभियुक्तों के पक्ष में कोई भी यहाँ का अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। अगर कोई बाहर का अधिवक्ता पैरवी करने के लिए आता है तो हम उसको पैरवी करने से रोकेंगे, क्योंकि अधिवक्ता का कार्य न्याय दिलाना है, अन्याय के साथ खड़े होना नहीं है। यहाँ हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 2500 अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं और सभी लोगों का ये एक आम राय है कि हम इस तरह के केस में पैरवी अभियुक्तों के पक्ष में नहीं करेंगे। कानून में इस तरह की घटना में फांसी की सजा का प्रावधान है और निश्चित रूप से कि फांसी सजा लायक केस है और जिस तरह की एविडेंस आएगी हम प्रोसिक्यूशन की मदद करके उनका पक्ष रख करके न्यायालय से गुहार करेंगे कि इसमें फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि समाज में ये संदेश जाए कि इस तरह की घटना अगर कोई करेगा तो कानून और कानून के रखवाले सब उनके खिलाफ़ होंगे।